तो दोस्तों आज की इस वीडियो के अंदर हम करने वाले हैं एक और अनबॉक्सिंग। मेरे पास आ चुका है भाई बैंक ऑफ बड़ौदा की तरफ से ये एनर्जिक फ्यूल कार्ड। आज की इस वीडियो के अंदर हम करने वाले हैं अनबॉक्सिंग, इसी कार्ड के अनबॉक्सिंग करेंगे, बात करेंगे भाई इसी कार्ड के बारे में और जितने भी इसके बेस्ट फीचर हैं सारे आज कवर करूंगा वन बाय वन। तो चलो जल्दी से मेरी वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को मेरे सब्सक्राइब कर दो, बेल आइकन को जरूर प्रेस करना ताकि मैं ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियो जब भी अपलोड करूं अपलोड करती हूं आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच जाए और आप सीधा वीडियो पर। तो चलो जल्दी स्टार्ट करते हैं वीडियो। दोस्तों पर्सनली अगर मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर करूं तो भाई ये कार्ड तो मुझे काफी अच्छा लगा क्योंकि ये कार्ड सबसे ज्यादा रिवॉर्ड पॉइंट देता है आपको। अभी तक मतलब मोस्टली सारे बैंक है ना फ्यूल क्रेडिट कार्ड प्रोवाइड करते हैं, लेकिन सबसे ज्यादा जो रिवॉर्ड पॉइंट देता है भाई ये क्रेडिट कार्ड देता है। काफी सारे बैंक है जो प्रोवाइड करते हैं लेकिन इतने ज्यादा रिवॉर्ड पॉइंट कोई नहीं देता, इतने ज्यादा कैशबैक भी कोई नहीं देता, बट ये क्रेडिट कार्ड ऐसा है भाई बैंक ऑफ बड़ौदा का, मुझे काफी अच्छा लगा, पर्सनली मुझे काफी अच्छा लगा क्योंकि इसके रिवॉर्ड पॉइंट भी बहुत अच्छे हैं, कैशबैक भी काफी अच्छा है। मतलब जितने भी क्रेडिट कार्ड होते हैं ना मोस्टली तो ऐसे होते हैं कि अगर आप फ्यूल डलाते हैं तो भाई उसमें रिवॉर्ड पॉइंट देते ही नहीं है, बट ये क्रेडिट कार्ड एक ऐसा है भाई कि रिवॉर्ड पॉइंट देता है और इतने देता है कि मैक्सिमम कोई क्रेडिट कार्ड इतने रिवॉर्ड पॉइंट नहीं देता, इतने रिवॉर्ड पॉइंट ये क्रेडिट कार्ड देता है। तो चलो सबसे पहले करते हैं इसको जल्दी से अनबॉक्स करके देखते हैं हमारा कार्ड कैसा दिखता है। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, चलते हैं अपने अनबॉक्सिंग टेबल पर, करते हैं इसको अनबॉक्स। सो गाइस हम आ चुके हैं अपनी अनबॉक्सिंग टेबल पर, सामने आप देख रहे हो भाई ये रहा मेरा क्रेडिट कार्ड, यहाँ से तो मैंने सब चीज़ कवर की हुई है बट आपको नाम दिख रहा होगा बस मेरा विनीत कुमार। तो जल्दी से करते हैं इसको अनबॉक्स। तो गाइस यहाँ से भी जल्दी से इसको अनबॉक्स कर लेते हैं भाई और सिंपली यहाँ से हम इसको कट करके अनबॉक्स कर लेते हैं। सो गाइस फाइनली हमारा क्रेडिट कार्ड ओपन हो चुका है भाई और ये यहाँ पर है कुछ डॉक्यूमेंटेशंस भाई, यहाँ पे नीचे तो कार्ड है बाकी देखते हैं क्या है। ये आ जाता है हमारे पास एक बैंक ऑफ बड़ौदा की तरफ से गो फुल टैंक ऑन हैप्पीनेस विद एनर्जिक। भाई कार्ड तो हमारा कुछ ऐसे दिखने वाला है, इन्होंने पहले दिखा दिया ऊपर वो भी देखेंगे। बाकी इसके अंदर भाई बहुत सारे कागजात हैं ऑलवेज हमेशा की तरह जो रहते हैं, तो फिलहाल इसको साइड में रखते हैं, बात कर लेते हैं आगे। तो भाई यहाँ किस तरीके आपको अपना एक क्रेडिट कार्ड एक्टिवेट करना है, किस तरीके से पॉज मशीन पर आप इसको यूज सकते हैं, काफ़ी सारे इंस्ट्रक्शंस हैं, तो ये सारी अगर आपके पास टाइम हो तो आप पढ़ सकते हैं, नहीं तो साइड में रख देना। भाई एक डॉक्यूमेंटेशन और आती है, यार कुछ ज्यादा ही कचरा नहीं दे दिया इस कार्ड के साथ इन्होंने। बाकी गाइस इस पर दे रखे हैं आपके सारे बेनिफिट, सबको बताऊंगा मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा, तो इसको फिलहाल अभी साइड में रखते हैं क्योंकि काफ़ी सारी ज़रूरी चीज़ें हैं, सारी मैं आपको बताऊंगा तो इसको फिलहाल साइड में रखते हैं। सो गाइस यहाँ पर आ जाता है भाई हमारा क्रेडिट कार्ड, देखो ये रहा भाई हमारा क्रेडिट कार्ड, काफ़ी अच्छा लग रहा है, देख तो हमने बाहर से लिया था भाई बट ये है कि ठीक है अच्छा लग रहा है, काफ़ी अच्छा लग रहा है, ग्रीन कलर का है, फिनिशिंग भी काफ़ी अच्छी है, मैट फिनिश में आ रहा है भाई ये कार्ड। और नीचे मुझे यहाँ पर मेरे कार्ड नंबर है भाई, कार्ड नंबर मैंने हाइड कर दिया। मेरे जो क्रेडिट कार्ड की लिमिट आई है वो 65,000 की आई है और कैश विड्रॉल लिमिट आई है 26,000 जो कि भाई कभी यूज़ नहीं करनी चाहिए। तो गाइस कार्ड तो हमारा ओपन हो चुका है भाई, ये रहा हमारा क्रेडिट कार्ड, काफ़ी अच्छा लग रहा है। ये वाली जो फिनिशिंग आ रही है भाई मैट फिनिश में आ रही है, काफ़ी अच्छी लग रही है और लुक वाइज देखने में भी काफ़ी अच्छा लग रहा है। बाकी बैक साइड से भाई इस तरीके का दिखता है हमारा कार्ड, ये काफ़ी चीज़ अच्छी करी है कि उन्होंने कि भाई यहाँ से है ना जो कार्ड नंबर होता है वो हटा दिया है, वो हटाने का उसको बैक साइड में कर दिया। मोस्टली आजकल सारे क्रेडिट कार्ड है ना यही कर रहे हैं। करते हैं भाई बैठ के इसके बारे में बात क्योंकि काफ़ी सारे फीचर्स हैं, काफ़ी सारी अच्छी चीज़ें हैं मोस्टली फ्यूल के लिए, तो भाई वो बताना आपको बहुत ज़रूरी है। तो मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ भाई इस कार्ड के बारे में आपको बताने के लिए, तो चलते हैं फटाफट बैठते हैं आराम से, उसके बाद बताता हूँ उसके वन बाय वन सारे फीचर। भाई सबसे पहले बात करते हैं भाई इस कार्ड की फ़ी को लेकर क्योंकि काफ़ी सारे लोग कन्फ्यूज रहते हैं भाई कि इस कार्ड की फ़ी कितनी होने वाली है, एनुअल फ़ी कितनी होने वाली है, ज्वाइनिंग फ़ी कितनी होने वाली है। तो भाई सबसे पहले स्टार्ट करता हूँ इसकी क्रेडिट कार्ड की जो ज्वाइनिंग फीस होने वाली है भाई वो 499 प्लस टैक्सेस होने वाली है, 588 रुपये आपके फर्स्ट बिल में क्रेडिट कार्ड की स्टेटमेंट में लग के आने वाले हैं और भाई वो आपको पे करने पड़ेंगे, वो भी आपको वेव ऑफ होने वाले हैं। मतलब टैक्स वाले तो मैं वेव ऑफ नहीं करा सकता लेकिन 499 है ना वो आपके वेव ऑफ होने वाले हैं, मैं बताऊंगा वीडियो में आगे कैसे। बात करें इसकी एनुअल फी की, भाई एनुअल फीस इसकी सेम होने वाली है 499 प्लस टैक्सेस, तो 499 जो है वो भी आपकी वेव ऑफ होने वाली है, बताऊंगा आगे वीडियो में कैसे। भाई बात करें अगर इसकी ज्वाइनिंग बेनिफिट की, तो भाई ज्वाइनिंग बेनिफिट में आपको इसमें 2000 रिवॉर्ड पॉइंट मिलने वाले हैं अगर आप पहले 60 दिनों में कार्ड एक्टिवेशन के 60 दिनों के अंदर अंदर अगर आप है ना इसमें 5000 रुपये स्पेंड कर लेते हैं, तो 5000 स्पेंड करने पर आपको मिलने वाले हैं इसमें 2000 रिवॉर्ड पॉइंट है। रिवॉर्ड पॉइंट एक रिवॉर्ड पॉइंट की जो कॉस्ट आती है भाई वो 25 पैसा आती है, अगर आप 2000 रिवॉर्ड पॉइंट की कॉस्ट लगाते हैं तो भाई आपके अप्रॉक्स 500 रुपये बैठ जाते हैं। आप इस ज्वाइनिंग गिफ्ट को एज आ भाई जो आपकी ज्वाइनिंग फी आप दे रहे हैं ना 499 एज आ भाई उसको आप वेव ऑफ भी समझ सकते हैं कि भाई वो आपको वेव ऑफ कर रहे हैं अगर आप इस पर 5000 स्पेंड कर लेते हैं, तो 5000 स्पेंड करना कोई ज़्यादा बड़ी बात नहीं है, कर सकते हैं, तो भाई ये मौका बिल्कुल मत छोड़िएगा, आपकी जो भाई ज्वाइनिंग फीस है वो इसमें वेव ऑफ
बात करें अगर रिवॉर्ड पॉइंट की, तो इस कार्ड के लिए के मैं आपको बता दूं, देखो अगर आप तीन कैटेगरी है इस कार्ड को लेकर, अगर आप उन तीन कैटेगरीज में अगर आप 150 रुपए स्पेंड करते हैं ना, तो आपको 10 रिवॉर्ड पॉइंट मिलने वाले हैं। अब वो तीन कैटेगरी कौन सी होने वाली है, एक तो यूटिलिटीज होने वाली है, दूसरी होने वाली है ग्रोसरी, और तीसरी होने वाली है डिपार्टमेंटल स्टोर। अगर आप इन तीनों कैटेगरी में से किसी पर भी 150 रुपये स्पेंड करते हैं, तो आपको 10 रिवॉर्ड पॉइंट मिलने वाले हैं। और इन तीन कैटेगरी से अगर आप अलग कहीं स्पेंड करते हैं, तो आपको 2 रिवॉर्ड पॉइंट मिलने वाले हैं 150 रुपये स्पेंड करने। बात करें अगर चौथे पॉइंट की इसकी, तो भाई कॉम्प्लीमेंट्री आपको इसके साथ मिलने वाला है, एयरपोर्ट के लॉन्ज एक्सेस कर सकते हैं आप, इसको एक साल में 4 बार भी यूज कर सकते हैं कि वो इसका कॉम्प्लीमेंट्री आता है इस कार्ड के। बात करें अगर इसके फिफ्थ पॉइंट की, तो भाई अगर आप मूवी देखने के शौकीन है, तो भाई आप पेटीएम के थ्रू जाकर है ना मूवी बुक टिकट बुक कर सकते हैं, 2 लोगों का मिनिमम आपको 2 लोगों की टिकट बुक करनी पड़ेगी। भाई कपल तो हो गई यार, तो 2 लोगों की तो टिकट बुक करनी पड़ेगी, तो 2 लोगों की टिकट आप बुक करेंगे तो इस पर आप 25% ऑफ ले सकते हैं up to 100 रुपीज। अगर इसके फिफ्थ बेनिफिट की, तो आप अगर कोई भी ट्रांजेक्शन आपको 2500 से अबव है, मतलब 3000 4000 5000 10000, आप उसको चाहते हैं भाई इजी EMI में पे करना, तो वो भी आप उसको इजी पे कर सकते हैं ये। गाइस अब बात करते हैं भाई इस कार्ड के सबसे मेन बेनिफिट के बारे में, जो कि है फ्यूल को लेके, क्योंकि भाई मेन हमारा ये फ्यूल कार्ड ही है। तो इसके लिए अब जो सब बताने वाला हूं ना, ये सबसे मेन चीज है, इसको आप थोड़ा ध्यान से सुनिएगा, ध्यान से समझिएगा। और भाई इसका कार्ड अगर आपके पास है तो फायदा उठाइए, आप उठा रहे होंगे, और अगर नहीं उठाया तो भाई नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, मैंने डाल दिया, वहां से अप्लाई कीजिए और उसको फायदा उठाइए। तो भाई सबसे पहले तो आपको ये बता दूं भाई, ये कार्ड आपको 5% की सेविंग कराने वाला है भाई एवरी टाइम स्पेंड ऑन फ्यूलिंग। अगर आप अपने कार के अंदर, बाइक के अंदर भाई फ्यूल पे स्पेंड करते हैं भाई एचपी पेट्रोल पंप पे ही आपको स्पेंड करना है। अगर आप किसी भी एचपी के पेट्रोल पंप पर जाते हैं और वहां पर अगर आप 150 रुपये स्पेंड करते हैं इसी कार्ड से अगर आप 150 रुपये स्पेंड करते हैं, तो सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं भाई 24 रिवॉर्ड पॉइंट मिलने वाले हैं आपको 150 रुपये स्पेंड करने पर। अब 24 रिवॉर्ड पॉइंट की जो कॉस्ट आती है निकल के, वो कितनी आती है 150 रुपये पे, लगभग 6 रुपये आपकी कॉस्ट आ गई भाई, 6 रुपये आपका एज अ सेविंग आपका रिवॉर्ड पॉइंट में आ गए। अब आप उनको रिडीम करेंगे तो आपको 6 रुपये आपके कार्ड में वापस आ जाएंगे, 150 रुपये पे आपने 6 रुपये आपके वापस आ गए, तो कितने हो गए 144 भाई, 144 का आपका फ्यूल डाला। अब बात कर लेते हैं 1% और रह गया, ये तो 4% का हमारा कैशबैक आ गया, 150 रुपये पे 4% अगर लगाते हैं तो भाई 6 रुपये बैठते हैं, वो हमारे एज अ रिवॉर्ड पॉइंट हमारे पास आ चुके हैं। अब बात करते हैं भाई 1% जो रह गया, 1% हमारा जो रह जाता है वो हमारा जो फ्यूल सरचार्ज होता है ना भाई वो होता है, वो हमारा वहाँ पर वेव ऑफ हो जाएगा, तो टोटल जो सेविंग हो जाती है हमारी वो 5% की भाई, 5% की हमारी सेविंग होगी एज अ रिवॉर्ड पॉइंट हमारे अकाउंट में आ गए। हम उसको कैश में रिडीम कराएंगे तो कार्ड में हमारे ऑलरेडी आने वाले हैं वही 150 रुपये पे, अगर 24 रिवॉर्ड पॉइंट आएंगे तो उसके 6 रुपये बनते हैं, तो 6 रुपये के हिसाब से आप जितने भी रिवॉर्ड पॉइंट होंगे वो सारे आपके कार्ड के अंदर आने वाले हैं। तो भाई 150 रुपये पे 6 रुपये तो आपके वो वापस आ गए, 144 हो गए और 1% का आपका जो सरचार्ज होता है वो वेव ऑफ होता है, तो भाई वहां पर हमारे 5% की सेविंग होगी। तो अभी तक का तो सबसे बेस्ट कार्ड लगा फ्यूल पे भाई मुझे यही कार्ड लगा, काफ़ी मतलब अच्छा इन्होंने कैशबैक दिया है, काफ़ी अच्छा रिवॉर्ड दे रहे हैं फ्यूल पर। एक टर्म्स एंड कंडीशंस और है इनकी, अगर आपको 1% का फ्यूल सरचार्ज अगर वेव ऑफ कराना है, तो आपकी जो अमाउंट होना चाहिए वो 400 से लेके 5000 तक होना चाहिए, तभी वो आपका 1% का जो फ्यूल सरचार्ज है वो वेव ऑफ करेंगे। अगर आप 300 रुपये का या 150 जैसे मैंने बताया 150 रुपये का आप तेल डलवाते हैं, तो उस पर आपका सरचार्ज वापस नहीं होगा, लेकिन भाई अगर 150 रुपये का आप पेट्रोल डलवा रहे हैं ना, तो भाई उस पर आपको 24 रिवॉर्ड पॉइंट तो मिलने ही वाले। बाकी गाइज अगर एक्स्ट्रा बेनिफिट की अगर मैं बात करूं, तो अगर आप एचपी पे की ऐप डाउनलोड कर लेते हैं, डाउनलोड करने के बाद आपका इसका फर्स्ट रिचार्ज कराते हैं, तो भाई आपको उसमें 100 रुपीज का कैशबैक आने वाला है। और अगर आप उस एचपी पेट्रोल पंप से कोई भी पेमेंट करते हैं, जैसे एलपीजी गैस हो गई और फ्यूल पे अगर आप स्पेंड करते हैं वहां से भी ऐप के थ्रू, तब भी आपको इसके अंदर कैशबैक मिलने वाला है, सेम 24 रिवॉर्ड पॉइंट मिलने वाले हैं और 1% का वेव ऑफ होने वाला है। अब एक्स्ट्रा बेनिफिट कहा है, तो भाई एक्स्ट्रा बेनिफिट में कुछ तो चाहिए। एक्स्ट्रा बेनिफिट के अंदर आपका उसका 1.5% जितने भी आप उस पर स्पेंड करेंगे, तो 1.5% के हिसाब से आपको पे बैक पॉइंट मिलने वाले हैं, जो कि आपके रहेंगे एचपी पे ऐप। तो गाइस अब बात कर लेते हैं इसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है बैंक की तरफ से। आपकी एज 21 से लेकर 65 तक होनी चाहिए, और आपका जो रेजिडेंस है वो भाई इंडिया का होना चाहिए। अगर आप जॉब करते हैं तो भाई आपकी जो सैलरी होनी चाहिए वो 30K+ होनी चाहिए। अगर आप सेल्फ एम्प्लॉयड हैं तो भाई आपकी जो भाई ITR है ना वो 5 लाख से अबव होनी चाहिए, तभी आप इस कार्ड को अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप इन चीज में से कोई भी एलिजिबल नहीं करते हैं, तो भाई इस कार्ड को अप्लाई मत कीजिएगा, ये आपका रिजेक्ट हो जाएगा। बाकी अगर आपको ये कार्ड अच्छा लगा, तो भाई नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, मैंने दिया हुआ है, आप जाके वहां के उसको अप्लाई कीजिए। और भाई आजकल है ना वन कार्ड की जो वीडियो है ना मेरी काफी वायरल हो रही है,
और काफी लोगों ने उसको अप्लाई भी करा है, तो भाई काफी लोगों का वो कार्ड अप्रूव भी हो गया है। काफी सारे स्क्रीनशॉट्स आए थे मेरे पास, तो वो सब मैंने देख लिए। तो फिलहाल आप आई बटन पर जाकर इस वीडियो को वॉच कर सकते हैं और देख सकते हैं भाई कार्ड की वीडियो को, और नीचे उसके डिस्क्रिप्शन में लिंक भी है। वन कार्ड भी अप्लाई कीजिए और बैंक ऑफ बड़ौदा का फ्यूल एनर्जी कार्ड अगर आप लेना चाहते हैं तो भाई इसको भी अप्लाई कर सकते हैं, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप इसको भी अप्लाई कीजिए, उसको भी अप्लाई कीजिए, कोई ना कोई कार्ड तो आपको मिल ही जाए। ये थे सारे इसके बेनिफिट, सारे फीचर्स भाई जो मैंने आपको बताए हैं। अगर आप भी इस क्रेडिट कार्ड को अप्लाई करना चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दिया हुआ है, वहां से क्लिक करके आप इस कार्ड को अप्लाई कर सकते हैं भाई, इजी मिल जाएगा। एलिजिबिलिटी भाई मैंने आपको बता दिया है किस, अगर आप इसमें एलिजिबल हैं तो भाई अप्लाई कर दीजिएगा, ये क्रेडिट कार्ड आपको आसानी से मिल जाएगा। कम लिमिट के साथ ही मिलेगा तब भी चलेगा, क्योंकि फ्यूल पर हम स्पेंड कितना करते हैं महीने के 2-4-5 हज़ार, तो 20,000-25,000-30,000 की लिमिट हो जाती है तब भी यार काफी है। तो दोस्तों बस फिलहाल वीडियो के अंदर इतना ही, कैसे लगे आपको ये वीडियो मुझे कमेंट करके जरूर बताएगा, वीडियो अच्छे लगे तो उसको लाइक जरूर कर देगा, चैनल को मेरे सब्सक्राइब जरूर कर देगा, बेल आइकन को जरूर प्रेस करना ताकि मैं ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो जब भी लेके आऊं तो तभी आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच जाए और आप सीधा वीडियो पर। तो चलो मिलते हैं अपनी और अगली इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक के लिए